मौजूद है बासार बाजार सेकेंडरी स्कूल पे। तो हम एक छोटी सी बेट स्कूल के जो टीचर है अथॉरिटी से गिरी दे रहा है हम लोग। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि हमारे इंडियन प्राइम न्यूज़ की जो टीम है ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, अभी हम पहुँचे हैं बाजार सेकेंडरी स्कूल पे बासार के। तो इससे मैं सबसे पहले सर से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि हेल्थ इंटेंसिव जो स्कीम जो रहता है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए रहता है, तो आपके यहाँ उसे किस प्रकार दिया जाता है? हेल्थ इंटेंसिव इसमें सैनिटरी नैपकिन देता है वो हम लोग। ये गवर्नमेंट जो है लड़की लोग का जो स्टूडेंट फेमेल जो स्टूडेंट है ना उसका अकाउंट में उन लोग डायरेक्ट दे देता है। तो इसे आप लोग अकाउंट को किस तरह लेते हैं? अकाउंट हम उन्हों वाइल एडमिशन टाइम में उसका गार्जियन को और स्टूडेंट को बोलकर साथ साथ हम लोग एडमिशन का समय में उन लोग का ये SBI अकाउंट को हम लोग मांगता है। उसके बाद सर अभी जैसे कन्वर्शन कोर्स, कन्वर्शन वो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। और कन्वर्शन गवर्नमेंट हम लोग को दिया है सिर्फ राइस ना, चावल दिया है। वो चावल दे के चावल को सिर्फ हम लोग बनाकर नहीं दे सकते हैं, बच्चा लोग को ये तेल प्याज और उन लोग को मिलाने के लिए कुछ कुछ ये बना देता है। वो जो है हम लोग को स्कूल का अकाउंट में जो कन्वर्शन आता है ना उसको हम लोग उधर कन्वर्ट कर देता है। तो सर मैं आपके जहाँ पे ये स्टोरेज करके रखते हैं जो चावल वगैरह को, तो उसे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को जो आप लोग जो पका के खिला रहे हो हाइजीन है ना नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ सर। बाजार सेकेंडरी स्कूल का मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि ये है उसके स्टोरेज, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बिल्कुल बाम में जिस हालत पे थे उसी प्रकार है। यहाँ पे नीचे जो सीमेंट फ्लोरिंग किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल वगैरह को भी सही तरह से रखा गया है। यहाँ पे शायद प्याज वगैरह दाल वगैरह है। बता दूँ जो बच्चों को जो चावल जो मिड डे मील जो खिला रहे हैं, तो काफ़ी बाजार स्कूल ने भी काफ़ी अच्छी तरह मेंटेनेंस किया है उसके जो स्टोरेज को, यानी कि उसे हाइजीन जो बच्चों को जो हाइजीन जो फूड मिलना चाहिए, हाइजीन जो मिड डे मील मिलना चाहिए उसे शायद मिल रहे हैं, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज को अगर हम देखेंगे तो उसे सच का जो मिलना चाहिए सही तरह से दिया जा रहा है। तो मैं अभी किचन पर विजिट करना चाहूँगा, मौजूद हूँ मिड डे मील के किचन हाउस पर मौजूद हूँ। ये है बाजार स्कूल के किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद अभी यहाँ पे मिड डे मील के प्रिपरेशन शायद चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल वगैरह यहाँ पे पूरा निकल के रखे हैं, चावल वगैरह भी पूरा भिगो चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्कूल अथॉरिटी है गैस LPG सिलेंडर के या उपयोग कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन आप किचन को अगर देखा जाए तो ये किचन कम स्टोरेज स्टोर ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे साथ टीचर अध्यापक जो मौजूद है तो उससे मैं जानने की कोशिश करूँगा सर, यहाँ पे आप देखेंगे तो किचन कम सर ये स्टोर ज़्यादा लग रहे हैं सर। हम लोग का यहाँ में क्लासरूम का बहुत शॉर्ट है और स्टोर रूम जो था उसको भी हम लोग क्लास बना दिया, इस कारण से जो है अभी टेम्प्रोली जो है यहाँ में कुछ सामान रखा है स्टोर का सामान। वो नया बिल्डिंग खत्म होने के बाद हम लोग जो है इसको जो है ऑल क्लासरूम में जो है शिफ्ट कर देगा और उसको क्लासरूम को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर देगा। ये साल तक तो हो जाएगा कंप्लीट। मैं बाजार स्कूल के टॉयलेट पे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी का जो व्यवस्था है तो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे पानी जो सही तरह से आ रहा है इस पर भी, और टॉयलेट भी अगर देखा जाए तो काफ़ी साफ़ है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी जो बह रहे हैं और यहाँ पे जो टॉयलेट जो काफ़ी साफ़ है। तो मैं मानता हूँ कि स्कूल जो अथॉरिटी है काफ़ी अच्छी तरह स्कूल को मेंटेन करके यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि टॉयलेट अक्सर गंदगी जो टॉयलेट पे पाया जाता है अक्सर स्कूल पे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बाजार स्कूल के जो अथॉरिटी है जो टीचर स्टाफ है जो हेडमास्टर जो प्रिंसिपल है काफ़ी अच्छी तरह स्कूल को मेंटेन करके रखे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाजार स्कूल के क्लास 10 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्क बेंच जो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सर इस डेस्क बेंच के बारे में क्या कहेंगे सर, या फिर आपकी कुछ अलग ही डेस्क बेंच नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी स्कूल में बहुत कम देखने को मिलता है सर? ये डेस्क बेंच जो है
हम लोग का ऑनरेबल एमएलए श्री गौकर बासर जी ने अपना तरफ से मैंने कंट्रीब्यूट किया है, और क्योंकि हम लोग का क्लास स्पेशली 9-10 का डेस्क बेंच जो है जो ऊद से जो लकड़ी से बनाया हुआ कंप्लीट लाइक नहीं था, कंप्लीट कंडीशन ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग लास्ट ईयर उसको पार्सल किया तो उसने 30 डेस्क एंड 30 बेंच जो है हम लोग को अपना तरफ से डोनेट किया। तो मैं यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बच्ची से, आपका नाम क्या? मेरा नाम रूपा नादम। रूपा नादम, तो ये हेल्थ इंटेंसिव एक स्कीम होता है जैसे लड़की स्पेशली लड़की के लिए होता है, तो एडमिशन टाइम में आप लोगों से बैंक अकाउंट का जो डिटेल मांगा जाता है, तो सरकार का तरफ से आप लोगों को एनुअली 600 रुपीज़ जो दिया जाता है वो आपको आप लोगों को मिला? वो एग्जैक्टली उसको मालूम नहीं चले कि 600 आए कि नहीं आए ना अकाउंट में जो, लेकिन हम लोग को स्थापन जैसे 9000 जैसे आया था। लेकिन में अभी देखा जाए तो यहाँ पे आपका टॉयलेट बाथरूम जो आजकल लड़कियों के लिए जो काफ़ी सेंसिटिव है टॉयलेट बाथरूम में, तो आपको अभी यहाँ में टॉयलेट बाथरूम को कैसा लग रहा है? हाँ, अभी तो सैनिटरी फैसिलिटीज लोग सर लोग पूरा प्रोवाइड किया था, हमेशा हम लोग को देते हैं करने के लिए, इसलिए हम लोग का वाशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा है, अच्छा है हम का वाशरूम वगैरह ना, यहाँ पे भी है और वो साइड में भी है। तो आप लोग लड़की लोग कुछ तकलीफ तो नहीं, आप लोग सही लग रहा है यहाँ पे? हाँ, सब कुछ सही है। यहाँ कुछ महीनों पहले हमारे इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम हम खुद यहाँ पे विजिट किए थे, उस वक्त जो वायरिंग जो कंडीशन है काफ़ी बुरी हालत में थे यहाँ पे, लेकिन इस जैसे न्यूज़ में फ्लश होने के बाद आपके वायरिंग में काफ़ी चेंजेस अभी नज़र आ रहे हैं, तो हम इस पे सर से पूछना चाहूँगा, सर पहले के वायरिंग और आपके वायरिंग में सर आपको कुछ फर्क तो नज़र आया सर? अभी तो अच्छा ही हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। ये जो वायरिंग जो है इसका जो वायर जो है जहाँ तहाँ तान कर रखा था वो वेकेशन में आई हैव विटनेस इन द वर्क विद इन द वर्क 4 डेज, उस समय वेकेशन था, मेरा साथी लोग भी तो नहीं बेटा है, मैं सामने में है वर्क, चार दिन में उन लोग के साथ में जो अरबान का जे आया था और जो कॉन्ट्रेक्टर है इसका कॉन्ट्रेक्टर करने वाला उसका तरफ से वो जितना इधर ज़रूरी है वो सब मैनेज करके ये बना दिया है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट का तरफ से हमारा टीचिंग स्टाफ का तरफ से बहुत थैंक्स देता हूँ, थैंक यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टेबल बेंच है एकदम न्यू आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे वाले आ चुके हैं, तो इस पर मैं सर से जानने की कोशिश करूँ, सर इसे सर सरकार की ओर से दिया गया है या आप लोग इसे मैनेज किया सर? ये जो है कॉमन रूम जो टेबल है इसको जो है हम लोग का जो ZPC मैडम श्रीमती न्यावी जीनी दीर्ची ने वो अपना तरफ से मैंने उसने डोनेट किया है, और उसमें जो है उस दिन वो यहाँ पे आया है, आकर जो है यहाँ का हम लोग का स्कूल का जो है जो कॉमन रूम का टेबल ये सब को देख कर कंडीशन को देख कर वो जो सरप्राइज हुआ है, तो वो अपना से वॉलंटरी जो है इसको हम अपना पॉकेट से देकर उसने जो है कारपेंटर को बुला कर जो उसको बनाने दिया है, और इस तरफ में जो है जो बुक स्टोर में भी वो रैक भी बना देगा बोला है मैडम जो है, और इसके साथ में जो है मैं ये चांस अपॉर्चुनिटी लेते हुए मेरा ये बाजार सेकेंडरी स्कूल जो है 4 times क्लास 10 को दिया है, 4 बार में जो है अभी तक फिलहाल रिजल्ट बहुत अच्छा है, लास्ट 3 ईयर से जो है हम लोग यहाँ में रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट है, और इस साल का जो रिजल्ट में 85.7 लाया है रिजल्ट, और 3 स्टूडेंट जो है कंफर्मेंट आया है, शायद ये कॉम्पार्टमेंट एग्जाम में सर मेरा हिसाब से पास होना चाहिए, 100% रिजल्ट होना चाहिए, और हम लोग यहाँ में जो है कोर्स भी अभी देखा गया तो मेरा हिसाब से जो है हर क्लास का जो है 60-70% से ऊपर सब कोर्स कवर किया है, टिल एनुअल एग्जाम तक जो हम लोग रिवाइज कर लेंगे कोर्स का, तब तो जो है और नेक्स्ट इस साल का भी क्लास 10 स्टूडेंट जो है 31 स्टूडेंट्स हैं, मेरा हिसाब से जो है इस साल का जो 2022-23 रिजल्ट भी 100% रिजल्ट होना चाहिए, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी सेकेंड नंबर में भी आया एक लड़की वो मोर देन 80% ले आए। तो सर अभी मैंने बाम स्कूल पे भी विजिट किया था सर, तो वहाँ पे देखा है तो देखा गया कि वहाँ पे कंप्यूटर सेट वहाँ पे एक देखा गया, तो आप लोगों का यहाँ पे पहले तो कंप्यूटर का जो प्रोविजन नहीं था, तो अभी आपके तो यहाँ पे मिला सर? यहाँ में कंप्यूटर जो है पहले जब मैं यहाँ पर हेडमास्टर इंचार्ज था UPS स्कूल था, इसमें जो है 10 कंप्यूटर आया, वो कंप्यूटर लोग जो है
वहाँ से डायरेक्ट आपका चेन्नई से लेकर आया है, वो कंप्लीट डिफान हो गया, वो कंप्यूटर जो यूज ही नहीं हुआ है, और इस तुर में भी कुछ कुछ रखा है अभी तक हम जो है। और उसके बाद जो है जो लास्ट ईयर जो है कंप्यूटर जो है गवर्नमेंट से दो मोर देन 10 आया है, वो जो है कंप्लीट जो अभी तक हम लोग चल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्या लिया है क्लास जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें अभी तक उन लोग कंप्लीट डाउनलोड नहीं हुआ है, जिस क्लास कराना है जिसको ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उस दिन इटानगर से भी पार्टी आया है, मोर देन 2 डेज जैसे लगा है, कंप्लीट नहीं हो, कंप्लीट करने साथ साथ में हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे और आपको कंप्यूटर भी दिखाता हूँ। ओके सर, ये जो है आप हम लोग जो देख रहा है ये हमारा ये ताजन कमोम, ये सोशल वर्कर है। ये ताजन कमोम जी हमारा ये के लिए स्कूल के लिए गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बासर बजर के लिए ये स्काउट एंड गाइड्स हम लोग का आज इस बार न्यू यूनिट्स का जो यूनिफॉर्म है कमोम जी ने डोनेशन दिया, और यह हमारा गाइड का स्काउट एंड गाइड का ये मास्टर्स है। और आज इस बार 15 अगस्त में हम लोग ये फ्रेड में ये कमोम जी का यूनिफॉर्म दिया वाला को पहन के फ्रेड किया है, तो फ्रेड में हमारा स्कूल ने ये सेकंड प्राइज आया है, इसलिए कमोम जी को धन्यवाद।